बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडबाल क्लासेस में। आज हम देखते हैं क्लास सेवन्थ लिविंग्स लर्न वेल साइंस का चैप्टर नंबर सेवन। नेम है वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। इस चैप्टर में हम आज डिस्कस करने वाले हैं अबाउट वेदर एंड फैक्टर्स ऑफ वेदर एंड लॉन्ग टर्म क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन फॉर द एनिमल्स, हाउ दे आर लिव इन दीज हैबिटेट्स। ओके, एंड Let us start the chapter. You must have seen कि वेदर रिपोर्ट्स इन न्यूज़पेपर। देखो बच्चों, आप सभी ने वेदर रिपोर्ट्स को अच्छे से देखा होगा। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स जो होती है उनमें वेदर रिपोर्ट्स रोज की लिखी हुई होती है। एंड न्यूज़पेपर, टेलीविजन्स में जो न्यूज आती है उनमें भी हम वेदर रिपोर्ट को देखते हैं। वी ऑफ्टन हैव टू बी प्लान आवर स्केलेटन अकॉर्डिंग टू वेदर कंडीशंस एंड कमेंटेटर्स आल्सो टेल अस वेदर रिपोर्ट्स बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द क्रिकेट मैच ऑफ एनी अदर स्पोर्ट्स इवेंट। देखो, हम अपने जो भी इवेंट्स होते हैं यहाँ, उनको हम प्लान करते हैं अकॉर्डिंग टू वेदर सिचुएशन। ठीक है, वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए कोई भी हमारे प्लान हो, कुछ वर्क हो, ठीक है, हम अपने वेदर के अकॉर्डिंग उसको क्या करते हैं, प्लान करते हैं। आपने देखा होगा क्रिकेट मैच स्टार्ट होने से पहले जो कमेंटेटर्स होते हैं वो वेदर के बारे में बताते हैं कि आज का मौसम कैसा रहने वाला है, पिच की कैसी रिपोर्ट्स है, कितना टेम्परेचर है, कितना ह्यूमिडिटी है ना, और रेनफॉल के बारे में, इन सब के बारे में हमें बताता है ताकि हम इन चीज़ों को जान सकें। नीचे आप एक वेदर रिपोर्ट देख रहे हो, ठीक है। अब हम वेदर से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब वेदर को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम क्लाइमेट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एडेप्टेशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले वेदर को समझते हैं, वेदर रिपोर्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है, कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। एक वेदर रिपोर्ट है न्यू दिल्ली, ठीक है, कैपिटल ऑफ इंडिया, जो कि पहले इसका नाम है, एंड ट्यूजडे एट 4:30 IST, ठीक है। एंड टेम्परेचर है देखो 30 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे टेम्परेचर को डिनोट किया गया है। अब टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में भी बताया गया है यहाँ पर, और फॉरेनहाइट में 86 बताया गया है, ठीक है, जो कि सेम है, सिर्फ स्केल का डिफरेंस है। एंड देखो, विंड की डायरेक्शन बताया गया है कि विंड की डायरेक्शन कैसी, हवाएं कैसी चलेगी। विंड स्पीड भी बताया गया है 28 किलोमीटर पर आवर्स, जो भी है, ठीक है। एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है, आर्द्रता, जिसको हिंदी में आर्द्रता बोलते हैं, यानी कि मॉइस्चर, तो ह्यूमिडिटी का परसेंटेज में डिनोट होता है 55% ह्यूमिडिटी है। प्रेशर भी है, ठीक है, प्रेशर MB में डिनोट होता है, तो ये प्रेशर है। एंड विजिबिलिटी 5 किलोमीटर्स, ठीक है, ये एक वेदर रिपोर्ट है जिसमें ह्यूमिडिटी है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, विजिबिलिटी है, विंड स्पीड है, विंड डायरेक्शन है, ये सभी चीज़ें क्या होती है, इंक्लूड होती हैं, इन्हें बोलते हैं फैक्टर्स। ओके, आगे है देखो फोरकास्ट, ए प्लीजेंट डे आफ्टरनून विल बी हॉट एंड द ह्यूमिड, नीचे जो आपको एक लाइन लिख रहा है, ठीक है, तो ये आपके डे का रिपोर्ट्स हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। आप सभी ने अब पढ़ लिया है कि वेदर रिपोर्ट कैसी होती है, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, बट आप हम जानेंगे कि वेदर जो रिपोर्ट्स हैं एक्चुअली में वो कहाँ से रिलीज होती है, कौन उनको मतलब प्रिपेयर करता है, ठीक है। एंड तो हम नेक्स्ट लाइन में हम देखते हैं, देखो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है
जिसको हिंदी में मौसम विभाग बोलते हैं, ठीक है। अपना मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होता है वो वेदर रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करता है, ठीक है। एंड वो इस रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करता है बेस्ड ऑन देयर डाटा कलेक्टिव बाय द साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, यानी कि कुछ डाटा जो होते हैं जो कि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं, उनके अकॉर्डिंग वो वेदर को प्रिडिक्ट करते हैं, है ना। एंड इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द मैक्सिमम एंड द मिनिमम, ठीक है, टेम्परेचर्स, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम एक थर्मोमीटर भी आता है जिसके द्वारा मतलब इन चीज़ों को मेजर किया जाता है, ठीक है। अब ये बात आती है कि जो डाटा ये हमें देते हैं वेदर रिपोर्ट्स में, ठीक है, वो एक एक्चुअली डाटा नहीं देते हैं, ठीक है, फिक्स डाटा नहीं देते हैं, वो मैक्सिमम और मिनिमम में हमें डाटा देते हैं। जैसे टेम्परेचर की बात करें तो आज का टेम्परेचर जो है पर आवर का हमें पता रहता है कि भाई 12 AM में कितना टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है। तो उसमें डाटा जो होता है वो मैक्सिमम होता है, जैसे भाई मैक्सिमम 38 डिग्री सेल्सियस हो सकता है और मिनिमम 21 हो सकता है। तो एक्चुअल में जो डाटा होता है हमारा वो 21 और 38 के बिटवीन होता है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। आगे देखो, टाइम ऑफ द मूनराइज एंड मून सेट, टाइम ऑफ द सनराइज एंड सनसेट, ये भी हमारे इस मैटर वेदर रिपोर्ट्स में इंक्लूड होते हैं कि सनसेट का टाइम क्या है और मून सेट का टाइम क्या है, ठीक है। आगे हम देखते हैं वेदर के लिए कि एक्चुअली में वेदर की डिफाइन को अगर हम देखें तो वेदर एक्चुअली में होता क्या है। तो देखो बहुत ही सिंपल है, डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है, रोज़ की यानी कि हर रोज पर डे कंडीशन जो होती है एटमॉस्फेयर की, ठीक है, ऑफ ए पैलेस विद द रेस्पेक्ट ऑफ फैक्टर सच एज विंड, ठीक है। अभी मैंने बताया था ये वेदर के फैक्टर हैं, विंड है, रेनफॉल है, ठीक है, ये सभी। तो इनकी जो डे टू डे कंडीशन होती है ना उसे हम क्या बोलते हैं, वेदर बोलते हैं। बहुत ही इजी डिफाइन है इसकी, डे टू डे कंडीशन ऑफ द वेदर एटमोसफेयर, ठीक है, विद द रेस्पेक्ट या विद द फैक्टर्स ऑफ रेनफॉल, विंड, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी, ओके, इट्स कॉल्ड वेदर, ठीक है। डे टू डे कंडीशंस मतलब होता है कि जो वेदर होता है हमारा वो डे टू डे यानी कि पर डे रोज चेंज होता है। सो इट कैन बी इवन चेंज सेवरल टाइम्स इन ए वन डे, और ये एक दिन में भी, एक दिन में काफ़ी टाइम भी चेंज हो सकता है, ठीक है। इसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, सिर्फ प्रिडिक्ट करके ही बताता है ना। एक्चुअली में कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह का मौसम डिफरेंट है, शाम का और भी डिफरेंट है, तो यानी कि ये पर डे क्या होता है, चेंज होता रहता है और डे में भी चेंज हो जाता है। ऑल वेदर चेंज आर कॉज ड्यू टू द सन, देखो जितने भी वेदर चेंज जो होते हैं वो सन के कारण होते हैं। एंड द वेदर इज हॉट व्हेन द सन साइट ब्राइटली, एंड वेदर इज कूल व्हेन द सन इज कवर्ड विथ क्लाउड्स, ठीक है। अगर वेदर मतलब सन के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है, अगर सन जो है ज़्यादा रेज को प्रोवाइड करता है, यानी कि अगर हॉट डे होता है तो उस टाइम सन जो है शाइनी ब्राइटली होता है, ठीक है, और अगर सन क्लाउड के साथ में है तो आपको पता है अगर बादल होते हैं आसमान में तो मौसम ठंडा रहता है, ठीक है। आगे है एलिमेंट ऑफ द वेदर, तो वेदर के एलिमेंट की बात करते हैं तो वही बात है जैसे मैंने अभी फैक्टर्स बताए थे, वही एलिमेंट होते हैं। इनमें टेम्परेचर होता है, विंड स्पीड होती है और विंड डायरेक्शन भी होती है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, ठीक है, ये सभी क्या है, वेदर्स के फैक्टर्स हैं, या इनको वेदर्स के एलिमेंट भी आप कह सकते हो, ठीक है। अब इनका हम वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। जैसे हम पहला हम ले रहे हैं टेम्परेचर, तो अभी हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम रेनफॉल के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम विंड स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, फिर विंड डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वन बाय वन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो टेम्परेचर देखो क्या होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे इज रिकॉर्डेड एट ए नून, ठीक है। जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है डे का आपको पता है आफ्टरनून में होता है, और जो भी 12 बिल्कुल 12 बजे, दिन के 12 बजे जो होता है वो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। एंड जो आपका मिनिमम टेम्परेचर होता है वो रिकॉर्ड होता है इन द अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह जल्दी, ठीक है, क्योंकि जब आपका सनराइज होता है उस टाइम पे आपका जो मिनिमम टेम्परेचर जो होता है वो आपका
मिनिमम होता है, ठीक है, और मैक्सिमम आपके 12 बजे होता है जो भी नून में, और उसके बाद भी आपका कम होता जाता है, उससे पहले भी आपका कम ही रहता है। तो ए मैक्सिमम एंड द मिनिमम थर्मोमीटर इज स्पेशल थर्मोमीटर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैक्सिमम मिनिमम एक स्पेशल थर्मोमीटर होता है जो कि इसके टेम्परेचर को मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करता है पर डे को, ठीक है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर इन सिटीज एंड हायर देन द सराउंडिंग एरियाज, ठीक है। देखो कि जो सिटीज़ का जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर होता है वो हायर होता है, ठीक है, कंपेरिजन द रूरल एरियाज, ठीक है, क्योंकि रूरल जो एरियाज हैं उनमें पॉल्यूशन कम होता है, इसलिए वहाँ पर टेम्परेचर जो होता है कम होता है, और सिटीज़ में हायर होता है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन भी इंक्रीज होता है, ठीक है। इसलिए देखो, हाँ आ गया नीचे, ये रहा पॉल्यूशन लेवल जो है सिटीज़ का हायर होता है तो वहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर भी हायर होता है मोर देन द, और जबकि गांवों में क्या होता है रूरल एरियाज में ट्रीज ज़्यादा होते हैं पॉल्यूशन कम होता है तो वहाँ पर टेम्परेचर लो होता है। आगे हम देखते हैं द एवरेज मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ एन एरिया कैलकुलेट बाय द टॉकिंग इन टू अकाउंट मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर ओवर द लास्ट 30 डेज, ठीक है। ये बोल रहा है एवरेज का कि एवरेज जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, हम पर डे का लेते हैं वो तो पर डे का होता है, लेकिन एवरेज में क्या होता है लास्ट 30 डेज का लेते हैं या फिर मोर ईयर्स का लेते हैं। तो ये हो गया टेम्परेचर के बारे में। अगला जो हम इसका फैक्टर देख रहे हैं वो है ह्यूमिडिटी, ठीक है, ह्यूमिडिटी क्या होती है और क्या कितनी होनी चाहिए उसके बारे में देखते हैं। तो देखो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन परसेंट ऑफ द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। आपसे पूछा जाए ह्यूमिडिटी क्या है, तो एयर में वाटर का जो अमाउंट होता है ना एक्चुअल में हम उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं, ठीक है, जैसे 10%, 55% जो भी है, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी जो होती है क्या होती है एयर में वाटर का अमाउंट, यानी कि हवा में वाटर का अमाउंट। तो ह्यूमिडिटी जो होती है बारिश के दिनों में ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, जबकि समर्स में ह्यूमिडिटी का लेवल कम होता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इट इज़ द रेशो ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एंड द प्रेजेंट इन द एयर ए स्पेसिफिक टेम्परेचर, यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर वाटर वेपर एयर में वाटर वेपर का अमाउंट ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है। एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, देखो ये कह रहा है कि रिलेटिव जो ह्यूमिडिटी होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि अगर टेम्परेचर कम रहता है तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, और ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होती है तो फिर टेम्परेचर कम होता है। एक दूसरे के क्या होते हैं अपोजिट होते हैं एक तरह से, ठीक है। अब एक बात आती है यहाँ पर कि रिलेटिव जो ह्यूमिडिटी होती है उसको हम मेज़र किससे करते हैं, तो भैया रिलेटिव जो ह्यूमिडिटी है उसको मेज़र करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं हाइग्रोमीटर बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, ठीक है, हायर लेवल के एग्जाम में पूछ लेते हैं और आपका तो है ही है सिलेबस में कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी को किससे मेज़र करते हैं, तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे हाइग्रोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट पेज देखो, ये आपका हाइग्रोमीटर हो गया। देखो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको बोलते हैं हाइग्रोमीटर, ठीक है, ये हाइग्रोमीटर है, इसमें हम क्या नापते हैं ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं, और ऊपर जो आपका डायग्राम दे रखा है ये वाला, तो ये है आपका मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर है, इसमें आपका मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर पर डे का वो कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि वो रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। ह्यूमिडिटी को लेके आगे एक और पॉइंट है कि यू मस्ट हैव एक्सप्लेन दैट योर शीट डज नॉट एवेपोरेट इजिली व्हेन द ह्यूमिडिटी इज हाई। ये कह रहा है कि भाई जो हमारा जो स्वेटिंग होती है यानी पसीना जो होता है, ठीक है, यानी कि जब हमारा एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी हाई होती है उस टाइम हमारा जो है स्वेट जो होता है डज नॉट एवेपोरेट, यानी कि एवेपोरेट नहीं होता है। सिंपल सी बात है कि जो स्वेटिंग होती है वो एवोपोरेट कब होती है,
अगर हम बात करें तो समर्स में हमारी जो स्वेटिंग का एवेपोरेशन जो होता है वो हायर होता है, यानी ज़्यादा होता है, और हम अपने आप को कूल फील करते हैं। बट अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो मैंने आपको बताया था ह्यूमिडिटी कब ज़्यादा होती है, बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी का लेवल हाई होता है, तो उस टाइम जो होती है स्वेटिंग मतलब एवोपरेटिंग कम होता है, ठीक है। और एवोपरेटिंग कम होता है तो हम अपने आप को कैसा फील करते हैं, स्टिकी, चिपचिपा महसूस करते हैं, ठीक है, और हम अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करते हैं, ठीक है। और ये एक सिचुएशंस कब आती है, आपने नोटिस किया होगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब समर्स में अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उसके बाद अचानक थोड़ी बहुत बरसात हो जाती है, तो हम अपने आप को ऐसा ही महसूस करेंगे अगर थोड़ी बहुत बरसात होती तो, ठीक है। अगर ज़्यादा हो जाती है तो लेवल टेम्परेचर का लेवल डाउन हो जाता है, तो उस टाइम तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कम बरसात होती है तो फिर क्या होता है, ह्यूमिडिटी की क्वांटिटी बढ़ जाती है, इससे हमारा बॉडी जो होती है वो स्टिकी फील करता है। अब हम नेक्स्ट जो है फैक्टर्स वो है रेनफॉल, ठीक है। तो रेनफॉल के बारे में देखते हैं कि बरसात जो होती है उसको हम किससे मेजर करते हैं। आपने न्यूज़पेपर में या टेलीविज़न में देखा होगा कि रेनफॉल कितना हुआ है, ठीक है। न्यूज़पेपर में आता है कि कल अजमेर सिटी में या कल जयपुर सिटी में, ठीक है, मतलब 100 mm बारिश हुई या 120 mm बारिश हुई, तो वो mm जो क्या है, ठीक है, यानी कि रेन गेज एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख भी सकते हो। इससे हम क्या करते हैं, हमारे रेनफॉल को मेजर करते हैं, ठीक है। अभी मैंने जस्ट पहले बताया था आपको हाइग्रोमीटर, उससे क्या मेजर करते थे बताओ, उससे हम ह्यूमिडिटी को मेजर करते थे, और रेन गेज से हम रेनफॉल को मेजर करते हैं, और उससे पहले टेम्परेचर को मेजर करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर से, क्लियर, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हो, यानी कि अगर आप टेम्परेचर में सडन ड्रॉप होता है, ठीक है, तब जाके रेनफॉल की कंडीशंस आती है, और रेनफॉल को रेन गेज से मेजर करते हैं, ठीक है। और जो रेन अभी मैंने बताया था 100 mm, 120 mm, मतलब क्या होता है, मिलीमीटर, यानी कि रेनफॉल जो होता है वो मिलीमीटर में मेजर होता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो तो हमने कितने फैक्टर पढ़ लिए, टेम्परेचर पढ़ लिया हमने, रेनफॉल पढ़ लिया, और उससे पहले हमने ह्यूमिडिटी पढ़ ली, ठीक है। तो यानी कि हमने ये सब कुछ पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं क्लाइमेट के बारे में। अब देखो क्लाइमेट, और अभी हमने जस्ट बात की थी वेदर के बारे में, ठीक है। वेदर एक डे टू डे वेदर, जो डे टू डे एटमॉस्फेयर में चेंजेस होता है उसको हम वेदर बोलते हैं। बट अगर ये लॉन्ग टर्म में हो जाता है, लॉन्ग टर्म में जैसे साल भर में, महीने में, 6 महीने में, तो वो क्लाइमेट होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्लाइमेट को, एक बार समझते हैं। देखो वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ द हिमालय रीजन इज वेरी कोल्ड ड्यू टू द लो टेम्परेचर इन दिस रीजन, यानी हिमालयन जो रीजन होता है उसका टेम्परेचर लो होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, कोल्ड होता है, बिल्कुल होगा ही, टेम्परेचर कम तो कोल्ड, टेम्परेचर ज़्यादा तो हॉट डेज। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द ईयर, ठीक है, यानी कि ज़्यादातर जो है हिमालय का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा होता है, कोल्ड होता है। क्यों होता है, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है। एंड द थार डेजर्ट जो कि हमारे राजस्थान में है, थार डेजर्ट हैज हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, इसका जो क्लाइमेट होता है वो हॉट और ड्राई होता है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हॉट डेज होंगे, टेम्परेचर कम होता है यानी कि तो फिर कोल्ड डेज होंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं द एनुअल रेनफॉल इन मेघालय, ठीक है। मेघालय का जो एनुअल जो रेनफॉल होता है वो अबाउट होता है 400 cm के करीब, ठीक है। अब cm है, mm नहीं है, cm है, बहुत ज़्यादा है ये तो, ठीक है। एंड द टेम्परेचर इज अ गुड 28 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो एवरेजिंग 28 रहता है, ठीक है। दस वी कैन सी दैट द क्लाइमेट इज बेट। तो अब हम इस रिपोर्ट से हम ये कह सकते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट जो है मेघालय का वो क्या होगा, वेट होगा। तो कहने का मतलब क्लाइमेट एक लॉन्ग टर्म होती है, ठीक है, यानी कि एक लंबे समय के लिए, जैसे साल भर के लिए या फिर 6 महीने के लिए, किसी पर्टिकुलर पैलेस का क्या एटमोसफेरिक बिहेवियर होता है उसे हम बोलते हैं क्लाइमेट, ठीक है। जैसे हमारे राजस्थान का देखें तो राजस्थान का क्लाइमेट कैसा है, हॉट एंड हॉट होता है,
जबकि हम मेघालय का देखें और हिमालय रीजन का देखें तो वहाँ का क्लाइमेट कैसे होता है। मेघालय का तो वेट होता है और हिमालय का कोल्ड होता है। जम्मू कश्मीर का देख लो, कोल्ड ही होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है। तो ये लॉन्ग टर्म जो होती है उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। तो देखो, क्लाइमेट कैन बी डिफाइंड एज द एवरेज वेदर पैटर्न ऑफ द पैलेस टेकन ओवर ए लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग टर्म या लॉन्ग पीरियड, ठीक है, यानी कि 20 से 25 साल के समय का जो एक पीरियड होता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, वो क्लाइमेट को डिनोट करते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने वेदर के फैक्टर्स देखे थे, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लाइमेट के फैक्टर देखेंगे कि क्लाइमेटर के फैक्टर जो होते हैं वो तो क्या क्या होते हैं। तो देखो, एक तो डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कि सी से कितनी डिस्टेंस है, उस पैलेस की सी से कितनी डिस्टेंस है। पैलेस नियर द सी हैव मॉडरेट क्लाइमेट। एक बात और अच्छे से समझो, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको। देखो, ये जो लाइन है ना बहुत अच्छी है ये, देखो इसको, पैलेस नियर द सी लेवल इज मॉडरेट क्लाइमेट, यानी कि सी के पास का जो पैलेस होता है उसका क्लाइमेट कैसा होता है, मॉडरेट होता है। बिल्कुल सही बात है, समुद्र के किनारे अगर कोई जगह है तो वहाँ का टेम्परेचर हमेशा मॉडरेट रहता है। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि चेन्नई है समुद्र के पास है बिल्कुल, मुंबई है समुद्र के पास है, गुजरात के कुछ हिस्से हैं जो कि समुद्र से टचिंग में है, तो वहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है, मॉडरेट होता है। अब मॉडरेट से समझे कुछ, मॉडरेट से मतलब है, मतलब ज़्यादा हॉट भी नहीं और ज़्यादा कोल्ड भी नहीं, बिल्कुल मीडियम होता है, ठीक है। तो ये आपका बहुत अच्छा पॉइंट है। आगे देखो, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर यानी कि लैटिट्यूड, इक्वेटर से उस पैलेस की कितनी डिस्टेंस है, ये क्लाइमेट इस पे भी डिपेंड होता है। विंड डायरेक्शन तो है ही है, हवाओं के डायरेक्शन एंड टेम्परेचर ऑलरेडी है इसमें, ठीक है। तो इसमें ये इसके फैक्टर्स होते हैं, तो आपको पता होनी चाहिए कि वेदर के फैक्टर्स क्या हैं और क्लाइमेट के फैक्टर्स क्या हैं। नेक्स्ट है रेनफॉल, ठीक है, जैसा कि रेनफॉल ह्यूमिडिटी वेदर में भी होते हैं और इसमें भी होते हैं, ठीक है। और एक और है यहाँ पर पॉइंट, वो है हाइट अबव द सी लेवल, सी लेवल से हाइट। आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी रेलवे स्टेशन हैं उसमें ये एक पॉइंट लिखा रहता है कि किसी भी स्टेशन की सी लेवल से हाइट कितनी है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो इस पर डिपेंड होता है, ठीक है, इसलिए हाइट का इम्पोर्टेंस होता है। द हायर यू गो द कूलर इट बिकम्स, ठीक है, मतलब आप अगर ज़्यादा हायर जाओगे तो वहाँ पर क्या होगा, कूलर होगा, कम है तो फिर वो हॉट होगा। तो ये है, अब ये हो गया आपका क्लाइमेट के बारे में। अब हम पढ़ते हैं एडेप्टेशन ऑफ द एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स का एडेप्टेशन। एडेप्टेशंस मीनिंग होता है हिंदी में, अगर हम इसको देखें तो इसका मीनिंग होता है अनुकूल, अनुकूलन, अनुकूलन। अनुकूलन मीन्स होता है कि कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो किसी भी हैबिटेट में अपने आप को किस प्रकार एडेप्ट करता है, ठीक है। जैसे हम कहें बात, जैसे पोलर बियर है जो कि बर्फ़ वाले जगह पर रहता है, ठीक है, हम है, ठीक है, हम इंसान हैं, तो इंसानों का भी हैबिटेट अलग अलग होता है और वहाँ का अडेप्टेशन अलग होता है। तो हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे डेजर्ट एनिमल्स हैं उनका क्या अडेप्टेशन होता है और कोल्ड पैलेस वालों का क्या अडेप्टेशन होता है, ठीक है। तो देखो, इसको समझो अच्छे से। डिफरेंट एनिमल्स आर अडेप्टेड टू लिव इन द स्पेसिफिक रीजन, अलग अलग तरह के जो एनिमल्स होते हैं अलग अलग रीजन्स में रहने के लिए अडेप्ट होते हैं। और इन द अच्छा द फीचर्स ऑफ फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, देखो ध्यान से, इनके जो फीचर्स होते हैं या फिर इनमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ऑफ एन ऑर्गेनिज विच एनेबल टू सर्वाइव इन द हैबिटेट आर कॉल्ड एडेप्टेशन, ठीक है, यानी किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज में जो फीचर्स होते हैं, अब फीचर्स मतलब कोई कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस एनवायरनमेंट में जिस हैबिटेट में रहने के लायक उसकी बॉडी में जो फीचर्स होते हैं उन्हें एडेप्टेशन कहते हैं। जैसे पोलर बियर के पास क्या क्या फीचर्स होते हैं कि पोलर बियर का जो पोलर बियर की बॉडी पे, ठीक है,
लंबे लंबे बाल होते हैं जिन्हें हम फर बोलते हैं, ठीक है। तो वो उनके फीचर्स हैं, क्योंकि वहाँ पर ठंड पड़ती है, कोल्ड पैलेस है, तो वो उनके लिए ज़रूरी है। और उनकी बॉडी में ब्लैबर होता है जो कि उनको गर्म रखता है, तो ये भी इनका फीचर्स है, ठीक है। तो ये सब एडेप्टेशन के ही पार्ट हैं। टू टू द प्रोसेस ऑफ द एवोल्यूशन एनिमल हैव डेवलप्ड फीचर्स एंड हैबिटेट दैट हेल्प देम टू बी एडेप्ट ऑफ द देयर सराउंडिंग। यानी कि कोई भी एनिमल्स हैं, ठीक है, उनमें ऐसे फीचर्स हैं कि वो अपने आप को उस पर्टिकुलर कूल हैबिट्स में सर्वाइव के लिए एडेप्ट कर सके। अब जैसे हम बात करते हैं, पहला यहाँ पर पोलर रीजन के ही बारे में पढ़ते हैं, पोलर रीजन, ठीक है। अब पोलर रीजन बहुत से बच्चे जानते होंगे, बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं, ठीक है। हमारे जो अर्थ में जो पोल्स होते हैं ना, साउथ पोल नॉर्थ पोल, तो उस वाले हिस्से को हम बोलते हैं पोलर रीजन, ठीक है। और वहाँ पर रहने वाले एनिमल्स हैं, जैसे पोलर बियर है, तो बियर हमारे यहाँ पे भी मिलता है, लेकिन एक यहाँ पे मिलता है वो नॉर्मल बियर होता है, ठीक है, पोलर बियर जो पोलर रीजन्स में मिलता है। चलो पढ़ते हैं, देखो पोलर बियर यहाँ पर कौन कौन से एनिमल रहते हैं पोलर रीजन में, उसको पढ़ते हैं। एक तो है पोलर बियर, एक है पैगविंस, ठीक है, और रेनडियर्स हैं, फॉक्सेज हैं, कुछ बर्ड्स हैं, सील्स हैं, ठीक है, जो कि एंड व्हेल्स हैं, आर फाउंड इन द पोलर रीजन, ठीक है, सिचुएटेड नियर द पोल्स। पोलर रीजन जो होता है पोल्स के पास वाला रीजन होता है, ठीक है, साउथ पोल नॉर्थ पोल। लर्न अबाउट द एडेप्टेशन इन द सम एनिमल्स हाउ दे सर्वाइव, मतलब ये अपने आप को किस प्रकार इस रीजन में सर्वाइव के लिए एडेप्ट करते हैं, इनके पास क्या क्या फीचर्स होते हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पहला हम देख रहे हैं पोलर बियर के बारे में, ठीक है, क्योंकि पोलर बियर जो होता है इम्पोर्टेंट एनिमल होता है इस रीजन का, इसलिए। तो देखते हैं पहला कि पोलर जो बियर होता है उसके पास, एक तो देखो टू थिक लेयर ऑफ फर होती है ना, इसकी डबल क्या होती है, थिक मोटी फर होती है जो कि इसको एक्सट्रीम कोल्ड रीजन से प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट है इसकी बॉडी पर जो फर होती है उनका कलर जो वाइट होता है, जो कि ब्लेंड करता है इसको स्नोई बैकग्राउंड में, ठीक है, यानी कि जो स्नोई बैकग्राउंड है उसमें छुपाता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द बीइंग हंटेड बाय द प्रीडेटर्स, ठीक है, जो प्रीडेटर्स उसको हंट करते हैं उससे अपने आप को ये बचाता है, ठीक है। कैमोफ्लॉग एक कंडीशंस आती है वो यहाँ पर फॉलो होती है। थर्ड पॉइंट है कि ए थिक लेयर ऑफ फैट कॉल्ड ब्लेबर, मैं बता चुका हूँ ये आपको, ब्लेबर होता है, ठीक है, जो कि स्किन के अंदर होता है, जो कि इनको इंसुलेट करता है, इंसुलेट मतलब इनकी बॉडी की जो हीट होती है उसको बाहर आने से रोकता है, इससे अपने आप को वार्म फील करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है इट हैज़ एबिलिटी टू सी, अच्छा, नॉस्टल विच हेल्प इट टू स्टे अंडर वाटर, यानी कि ये अपने नॉस्टल को क्लोज कर लेते हैं, इससे क्या है पानी में ज़्यादा समय के लिए क्या होते हैं, रह सकते हैं। नेक्स्ट है इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि सेंस मतलब स्मेलिंग जो सेंस होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, इससे क्या है ये लोकेट कर लेते हैं, और मतलब इजीली मतलब उस पैलेस को लोकेट कर लेते हैं जहाँ पर इनके लिए कुछ फूड होता है या प्रे होता है, ठीक है, तो सेंस स्मेल अच्छा होता है इनका। और नेक्स्ट है इट हैज़ वाइड एंड लार्ज पॉप्स ऑफ इजी स्विमिंग एंड वॉकिंग, ठीक है, इनके जो पैर होते हैं थोड़े चौड़े होते हैं, लार्ज चौड़े होते हैं, इससे कि ये आराम से वॉक कर सके और स्विम कर सके। नेक्स्ट पॉइंट इट हैज शॉर्ट ईयर, इनके कान छोटे होते हैं और टेल भी छोटी होती है। अब देखो इसका फायदा क्या है, टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, जितने छोटे छोटे पार्ट्स होंगे उनसे कम हीट का लॉस होगा, ज़्यादा पार्ट्स बड़े होंगे तो उनसे ज़्यादा हीट का लॉस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट हैज़ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज, इनके जो पंजे होते हैं वो लंबे होते हैं और मुड़े हुए होते हैं, कर्व होते हैं, ठीक है, और शार्प मतलब पैने होते हैं, ठीक है, दैट प्रोवाइड गुड ग्रिप एंड हेल्प इन द वॉक ऑफ आइस, उससे क्या होता है कि ये आइस पर फिसलते नहीं हैं, अच्छे से ग्रिप करते हैं, पकड़ मजबूत बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमने कुछ पोलर बियर के बारे में पढ़ा था कि पोलर बियर्स में क्या क्या एडवर्टेशन होते हैं, ये डायग्राम आप देख सकते हो पोलर बियर का, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कुछ
नेक्स्ट, पोलर बियर की तरह एक और ऑर्गेनिज्म होता है जो होता है पैगमिन, ये भी एक पोलर रीजन में रहने वाला है। चलो इसके हम फैक्टर्स देख लेते हैं, वैसे आपको पता होगा। चलो तो फर्स्ट इसका पॉइंट है वो ये है कि पैगमिन जो होता है एक फ्लैटलेस बर्ड होता है, मतलब एक बर्ड की कैटेगरी में आता है बट फ्लैटलेस होता है, उड़ नहीं सकता है, ठीक है। और इसके फंक्शंस क्या होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं इनके क्या एडेप्टेशन होते हैं। पहला पॉइंट है कि देयर वाइट कलर मर्ज विद द वाइट स्नो, जैसा कि पोलर बियर में होता था उसका भी कलर वाइट होता था जो कि वाइट स्नो में मर्ज हो जाता था, और ये अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे फ्रॉम द एनिमीज, ठीक है। और नेक्स्ट इसका है कि देयर थिक स्किन, इनकी भी स्किन थिक होती है उस, और वो जो पोलर बियर था उनकी भी जो है थिक, उनके भी स्किन होती है, और इनकी बॉडी के अंडर नीथ यानी कि अंदर साइड में फैट होता है, जैसे पोलर बियर में तो ब्लेबर बोलते थे, इसमें भी बोल सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। और ब्लेबर जो होता है इनके सामने का जो ये वाइट पार्ट है यहाँ पर होता है, इससे क्या है इनकी बॉडी को एक तरह से इंसुलेटर की तरह बिहेव करती है जो कि इनकी बॉडी को गर्म रखती है, यानी कि अंदर की जो बॉडी में हीट होती है उसको बाहर आने से रोकती है, एज ए इंसुलेटर बिहेव करती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड, इनकी बॉडी जो होती है स्ट्रीमलाइंड होती है, स्ट्रीमलाइंड मतलब जैसे आपके फिश की शेप होती है ऐसी ही इनकी कुछ बॉडी होती है, ठीक है, जो कि इनको अच्छे से हेल्प करती है टू स्विमिंग यानी कि तैरने में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है देयर ईयर्स हैज वेरी स्मॉल, कान छोटे होते हैं, और कान छोटे का रीजन मैंने अभी बताया है, पोलर बियर के भी कान छोटे होते थे क्योंकि इनसे जो है अब हीट का लॉस कम होता है। और दे हडल टुगेदर इन ग्रुप्स, यानी कि ग्रुप्स में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये ग्रुप्स में रहेंगे तो बॉडी की जो हीट है, ठीक है, वो बनी रहती है, ठीक है, और अकेले अकेले रहेंगे तो हीट लॉस ज़्यादा होगा। ओके अब कुछ बर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कुछ बर्ड्स होते हैं यहाँ पर उनमें क्या अडेप्टेशन होते हैं पोलर रीजन में, ठीक है। देखो सम बर्ड्स देयर ट्रेवल्स फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर पैलेस कम बैक आफ्टर द सम टाइम, यानी कुछ बर्ड्स होते हैं जो कि एक एक पैलेस से दूसरे पैलेस पर उड़ते रहते हैं, वॉक करते रहते हैं। दिस मास मूवमेंट ऑफ द बर्ड टू एस्केप फ्रॉम द हर्सिंग वेदर्स इन सर्च ऑफ फूड एंड ब्रीडिंग पर्पज इज कॉल्ड माइग्रेशन, जैसे हमारे राजस्थान में हम देखते हैं साइबेरियन जो सारस होती है साइबेरिया कंट्री से आती है, ठीक है, और इन्हीं डेज में आती है यानी सर्दियों के दिनों में आती है, और यहाँ पर 2-3 महीने रहती हैं, ब्रीडिंग प्रोसेस करती हैं, उसके बाद में वो वापस अपने ही कंट्री लौट जाती हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं माइग्रेशन, यानी कि अगर कोई, ठीक है, वेदर में बदलाव के कारण अगर एक एक पैलेस से दूसरे पैलेस पर जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं माइग्रेशन, यानी कि, और इन बर्ड्स को बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स, ठीक है। अब माइग्रेट, हाँ ये देखो नेक्स्ट पॉइंट माया गया है कि साइबेरियन क्रेंस जो थी यूज टू विजिट इंडिया फ्रॉम साइबेरिया, ठीक है, अबाउट 2001, यानी कि 2001 से देख लो आप 20 साल हो गए, ठीक है, तब से लेकर आज तक जो है साइबेरियन क्रेन है हर साल हमारे यहाँ पर, ठीक है, कुछ मंथ के लिए आती हैं, और यहाँ पर कुछ फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर रहने के लिए आती है, और कुछ दिनों बाद ये वापस उठ के चली जाती हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हें पसंद है वो कोल्ड क्लाइमेट पसंद है, तो यहाँ पर इस टाइम कोल्ड क्लाइमेट होता है नवंबर दिसंबर जनवरी में, तो यहाँ पर ये आते हैं। आगे है जैसे आर्टिक टर्न है फ्लाइज ऑल द वे टू अंटार्कटिका फ्रॉम द आर्टिक रीजन, ठीक है, यानी कि जो आर्टिक टर्न होती है वो आर्टिक रीजन से अंटार्कटिका में जाती हैं। इट फ्लाइज बैक टू आर्टिक रीजन व्हेन इट समर, यानी जब गर्मी आती है तो ये वापस आर्टिक रीजन में पहुंच जाती है, और सर्दियों में अंटार्कटिका चली जाती है। तो ये इनका क्या है एक पैलेस से दूसरे पैलेस पर बदलाव है, ठीक है, और इस ये बदलाव को हम क्या बोलते हैं माइग्रेशन बोलते हैं, और ऐसे बर्ड्स को माइग्रेटिंग बर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो क्या बोलते हैं पोलर वियर का अब तक का शेड्यूल कि पोलर वियर
के बारे में हमने देख लिया, पोलर रीजन्स के बारे में देख लिया, वहाँ का एडेप्टेशन को देख लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एडेप्टेशन पढ़ते हैं, वो है डेजर्ट एडेप्टेशन। ठीक है, डेजर्ट एडेप्टेशन जो कि हमारे राजस्थान का है। एंड चलो, द रीजन वेयर एनुअल रेनफॉल इज नॉट इनफ टू सपोर्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द मोस्ट प्लांट एंड एनिमल्स इज कॉल्ड डेजर्ट। डेजर्ट की एक ये डिफाइन हो गई कि जहाँ पर एनुअल रेनफॉल है, यानी एवरेज जो रेनफॉल है वो इतना इनफ नहीं होता है कि प्लांट ग्रोथ कर सके या फिर एनिमल्स ग्रोथ कर सके, यानी कि प्लांट और एनिमल के सर्वाइविंग के लिए भी पॉसिबल नहीं होता है, तो उस पैलेस को डेजर्ट बोलते हैं। ठीक है, इन दिस रीजन्स द डे टेम्परेचर गोज अप टू 50, मतलब 50 के करीब यहाँ पर दिन का टेम्परेचर पहुँच जाता है। ठीक है, एंड एट नाइट दीज रीजन्स एंड डे टेम्परेचर इट फॉल्स डाउन कंसिडरेबली। ठीक है, तो जैसे दिन में टेम्परेचर बढ़ता है, रात में वैसे ही धीरे धीरे घटता है। ठीक है, और यहाँ पर पानी की सिक्रिसिटी होती है, कमी होती है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है और कॉमन प्रॉब्लम होती है ऑल डेजर्ट्स में। ठीक है, सो द एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव डेवलप्ड सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इस पानी की कमी के कारण यहाँ के प्लांट्स में भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, यहाँ के एनिमल्स में भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो वाटर की सिक्रिसिटी के कारण वाटर को कम से कम यूज करें। ठीक है, अब वो हम पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं एनिमल्स में जो है कैमल के बारे में, जिसको कि डेजर्ट का हम सिप बोलते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डेजर्ट का फेवरेट क्या है, एक तरह से एनिमल है। ठीक है, तो इसके अपडेटेशन के बारे में बात करते हैं। तो देखो, इसमें मतलब कैमल में क्या क्या फीचर्स होते हैं कि ये अपने आप को इस एनवायरनमेंट में, मतलब इस हॉट एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव के लिए परिपक्व करता है। तो देखो, पहला पॉइंट जो है इसमें वो है हम के बारे में, किसके पास हम्प होती है, जिस ठीक है जिसमें फैट स्टोर होता है। ठीक है, और इसके कारण ये जो है काफ़ी दिन तक बिना खाए पिए भी रह सकता है। तो आप देख सकते हो, मैं आपको बता दूँ, ये डेजर्ट सॉरी ये जो है कैमल में, ये जो यहाँ पे देख रहे हो ये होती है हम्प। ठीक है, और ये हम्प में फैट स्टोर होता है, जिससे कि ये 2-5 दिन खाने बिना खाए पिए भी रह सकता है। क्यों? क्योंकि ये उस स्टोर्ड फूड फैट को यूज करता है। इट हैज़ वीक आईलेस, इसकी जो आईलेस होती हैं बड़ी होती हैं, उससे क्या होता है कि जो सैंड है वो आँखों में नहीं जाती है। ठीक है, मिट्टी वगैरह आँखों में कम घुसती है सैंड स्टॉर्म के दौरान। ठीक है, जब धूल भरी आंधियाँ चलती है, हवाएं चलती है, तो मिट्टी उड़ती है, तो आईलेस इसलिए उसको प्रोटेक्ट करती है आई को। नेक्स्ट पॉइंट है, इट कैन क्लोज इट्स नोस्टल टू प्रिवेंट सैंड फ्रॉम द एंटरनिंग इट्स नोज, यानी कि अपने नोस्टिल को भी ये क्लोज कर लेते हैं। कब? जब हवाएं चलती हैं। इट कैन ड्रिंक ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, ठीक है, पानी भी ये ज़्यादा पी लेते हैं, एक ए टाइम। ठीक है, और उसको बोल लेटर यूज के लिए यूज कर सकते हैं। इनके बॉडी में ऐसा एक सिस्टम होता है, बैग होता है, जिसमें कि पानी को स्टोर कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज़ ब्रॉड पैडेड, इनके जो पैर होते हैं वो ब्रॉड होते हैं और पैडेड होते हैं। पैडेड मतलब गद्दीदार होते हैं एक तरह से, ब्रॉड मतलब चौड़े होते हैं। ठीक है, ताकि ये इजीली उस सैंड वाली मिट्टी मतलब सैंड पे इजीली वॉक कर सके। और इट हैज़ थिक लिप्स, इनके लिप्स थिक होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इनको, ठीक है, प्लांट्स वगैरह जो कैक्टी है उनको पिकअप करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ इसके फीचर्स हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब आगे हम बात करते हैं जो नेक्स्ट जो हमारा एडेप्टेशन है, ठीक है, वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, अभी हमने थोड़ा बहुत देखा था किसके बारे में, डेजर्ट के बारे में और पोलर के, वो पोलर रीजन के बारे में देखा था जो कि कोल्ड क्लाइमेट है, डेजर्ट जो कि हॉट क्लाइमेट है। अब देख रहे हैं रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल वाले। ठीक है, अब देखो यहाँ का सिस्टम कैसा होता है, पहले तो जल्दी जल्दी देख लो क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है। ठीक है, और इसलिए कि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है हॉट समर डेज में गोज अप टू 50 डिग्री, जैसा कि समर्स में होते हैं,
ऐसे यहाँ पर जो है टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। एंड यहाँ पर जो कोल्डेस्ट मंथ होते हैं वहाँ उस टाइम जो टेम्परेचर होता है वो मिनिमम 15 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं हम। और यहाँ पर जो दिन और रात होते हैं ठीक है वो हर मौसम में इक्वल लेंथ के होते हैं, बराबर होते हैं। और यहाँ पर काफ़ी प्लांट्स और एनिमल्स की वैराइटीज़ होती हैं। ठीक है, उनमें हम बात करते हैं जैसे टाइगर है, गोरिल्ला है, स्नेक है, लिजार्ड है, बर्ड्स हैं। ठीक है, ये कुछ वैराइटी हैं यहाँ पर जो पाई जाती हैं। और अब हम उनमें से जो एक मेन इस यहाँ का जो एनिमल है वो है एलिफेंट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ठीक है, और लॉयन भी होता है वैसे तो। ठीक है, रेड आइज फ्रॉग होता है, ये टाउकन होता है, ये सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के ही हैं। तो हम एलिफेंट के बारे में पढ़ लेते हैं कि एलिफेंट में क्या क्या फीचर्स होते हैं कि वो अपने आप को यहाँ पर सर्वाइव करते हैं। पहला है कि एलिफेंट की जो लॉन्ग ट्रंक होती है जिसको हम सूंड बोलते हैं, ठीक है, इसका जो यूज़ होता है एज ए नोज होता है, और इससे ये फूड को भी पिकअप करते हैं। ठीक है, और इससे ये वाटर को भी ड्रिंक करते हैं, यानी कि तीनों ही काम ये अपने लॉन्ग ट्रंक से कर लेते हैं। और इनके जो टस्क होते हैं मतलब जो दांत होते हैं ठीक है उनका जो यूज करते हैं ये टेयर ऑफ द बार्क ऑफ ट्रीज, यानी कि पेड़ की छाल को टेयर करने के लिए, चीरने फाड़ने के लिए। ठीक है, एंड फाइटिंग फ्रॉम द एनिमीज, ठीक है, दुश्मनों से लड़ने के लिए भी उनका बेस्ट यूज करते हैं ये। नेक्स्ट है दे यूज द लार्ज ईयर्स, और जो इनके लंबे कान होते हैं ना उनका यूज करते हैं ये। उनका जो यूज क्या है, उनका मेन यूज पता है क्या है, टू हीयर सॉफ्ट साउंड, यानी कि छोटी से छोटी आवाज़ को भी अच्छे अच्छे से क्या कर लेते हैं, हीयर कर लेते हैं और सुन लेते हैं। ठीक है, तो लंबे कानों का ये फायदा होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है कि ये अब छोटी से छोटी आवाज़ को सुन लेते हैं, इसका मतलब ये अपने मतलब इनका जो सेंस सिस्टम है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और ये अपने खतरे को जल्दी ही भांप लेते हैं और वहाँ से निकल लेते हैं। और एक और जो यूजेज होता है वो एयर का, वो ये होता है कि ये अपने आप को कूल फील करते हैं, यानी हवा करते रहते हैं, जिससे इनकी बॉडी को ठंडा महसूस होता रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइगर के बारे में कि टाइगर के पास ऐसे क्या फीचर्स होते हैं कि ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। तो देखो इनकी बॉडी का कलर जो होता है ठीक है, द बॉडी कलर ऑफ द लॉयंस एंड टाइगर्स मर्ज विद द सराउंडिंग, इनकी बॉडी का कलर जो होता है वो सराउंडिंग यानी आसपास के एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में मर्ज हो जाता है, मिल जाता है, उससे ये अपने आप को कैमोफ्लो करते हैं। और ये क्या करते हैं, इनके जो प्रीडेटर्स वगैरह होते हैं उनसे ये अपने आप को बचा लेते हैं। ठीक है, दे हैव शार्प आई साइट, इनकी जो आई साइट होती है बिल्कुल शार्प होती है, और इनका सेंस स्मेल भी बहुत अच्छा होता है, स्मेलिंग सेंस भी, ठीक है, जिससे कि अपने प्रे को और अच्छे से लोकेट कर सकते हैं। दे कैन रन वेरी फास्ट विच हेल्प देम टू कैच प्रे इन द विथ ईज, यानी कि ये बहुत तेज दौड़ते हैं और इससे ये अपने प्रे को इजीली कैच कर पाते हैं। तो ये कुछ टाइगर के फीचर्स थे। अब एक और यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है वो है रेड आइज फ्रॉग। ठीक है, ये आप देख सकते हो रेड आइज है इसकी, इसके पैर भी रेड होते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेड आइज फ्रॉग। ठीक है, इसके क्या फीचर्स होते हैं पढ़ लेते हैं। पहला तो इसका जो मेन फीचर्स है कि इसके जो पैर होते हैं ठीक है वो स्टिकी होते हैं, यानी कि स्टिकी होते हैं, और स्टिकी होने का एक फ़ायदा है कि ये पेड़ों पर ही रहता है हमेशा ज़्यादातर तो, और ये पेड़ों पर चढ़ जाता है क्योंकि इसके पैर स्टिकी होते हैं। ठीक है, और दिन के समय में ये पेड़ों पर रहता है, एंड इसका जो कलर होता है थोड़ा ग्रीन कलर का होता है, इससे कैमोफ्लो होता है कि अपने आप को पत्तियों में छुपा लेता है। ठीक है, एक तरह से, और जो कि अपने एनिमी से उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं टाउकन के बारे में, जो कि एक ये भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एनिमल्स हैं। टाउकन जो होता है आप देख सकते हो एक बर्ड है, इसकी जो चोंच होती है ना वो थोड़ी बड़ी होती है, आप देख सकते हो मतलब इतनी बड़ी और भारी होती है कि मतलब ये बहुत हार्ड से हार्ड चीज़ को भी कट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये काम है इसका, और एक इनके बॉडी का बैलेंस बनाने में काम है। हम इसके पढ़ते हैं फीचर्स तो बताएंगे। देखो ज़रा,
ये रहा देखो, टाउकन इज द वर्ड दैट पोसेस ए लॉन्ग एंड लार्ज बीक। इनकी जो बीक होती है टाउकन की, वो बहुत लंबी होती है और लार्ज भी होती है। इट हेल्प टू रीच द फ्रूट ऑन द ब्रांच, ठीक है, यानी कि फूड तक ये पहुंच सके इसलिए मदद करती है। विच आर टू वीक ऑफ सपोर्ट ऑफ द वेट ऑफ द बर्ड, और बर्ड का जो वेट होता है उसके लिए सपोर्ट के लिए भी ये यूज होती है, ठीक है। अगला हम देखते हैं, अगला जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, वो मकाऊ है, यानी ये बंदर ही है एक तरह से, ठीक है, लेकिन लॉइन टेल्ड मकाऊ बोलते हैं इसको, क्योंकि इसकी जो पूँछ होती है वो ठीक है, पूँछ होती है वो भी है, और इसका जो मुंह होता है वो भी एक तरह से लॉइन जैसा ही कुछ होता है, इसलिए इसको लॉइन टेल्ड मकाऊ बोलते हैं। देख लेते हैं इसके फीचर्स। द लॉइन टेल्ड मकाऊ इज आल्सो कॉल्ड बियर्ड एप, ठीक है, बियर्ड एप भी हम इसको बोलते हैं क्योंकि इसके दाढ़ी होती है बाकी। इट हैज सिल्वर वाइट मैमे, ठीक है, मैने मीन्स वही होती है दाढ़ी, एंड सराउंडिंग द हेड ऑफ द चिक्स ऑफ द डाउन टू बी चिन, मतलब सर से लेके और नीचे तक थोड़ी तक का पूरा सिस्टम जो होता है सफ़ेद, आप देख सकते हो, एक मिनट रुकनो, डायग्राम में देखो, ये पूरा ये इसका सर है, सर से लेके नीचे तक चिन तक इसका जो पूरा पोर्शन होता है ये कैसा होता है, वाइट कलर का होता है, बहुत लंबी लंबी बियर्ड होती है इसकी, ठीक है। तो ये ईवी एक क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एनिमल है। अब देखो ये जो बंदर होता है, मतलब ये मकाऊ जो होता है, ये अच्छा क्लाइंबर होता है, और ये हमेशा ज़्यादातर कहाँ रहता है, ट्रीज पर रहता है, और इट्स फीड ऑन द फ्रूट्स एंड सीड्स यंग लीव्स, ठीक है, ये चीज़ें ये एज ए फूड यूज करता है, ठीक है, बीज वगैरह खा लेता है, पत्ते खा लेता है, फ्लावर खा लेता है, ठीक है। और इट आल्सो ईट्स इंसेक्ट्स प्रेजेंट अंडर द बार्क ऑफ ट्री, यानी कि ये कुछ कीड़े मकोड़े भी खा लेते हैं। इट कम्स डाउन एंड कैन नॉट सफिशेंट फूड ऑन द ट्रीज, ठीक है, अगर जब पेड़ पे फल नहीं होते तो फिर ये नीचे भी आ जाते हैं। अब मंकी के बारे में बात करते हैं, मंकी का क्या अडेप्टेशन होता है, ये देखो मंकी सब लोग जानते हो आप, ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। देखो, मंकीज लीव्स ऑन द ट्री, मंकी पेड़ पर रहते हैं सब जानते हो, एंड मंकी के पास लॉन्ग टेल होती है जो कि ब्रांचेस को ग्रैप्स करने के लिए मदद करती है, एंड इनके फिट जो होते हैं और हैंड जो होते हैं, दे कैन ईजली होल्ड ऑन द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज, यानी कि पेड़ों की जो ब्रांचेज होती हैं उनसे अच्छे से उनको पकड़ लेते हैं और उछल कूद कर लेते हैं। देयर ऑपोसेबल थंब हेल्पिंग देम टू ग्रेस स्मेल थिंग्स, देयर कलर कंसील देम बिटवीन द ब्रांचेज, ठीक है, और इनके जो कलर होता है वो भी एक तरह से ब्रांचेज में मिक्स हो जाता है, जिससे कि ये अपने आप को उसमें छुपा लेते हैं। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है, नेक्स्ट आगे कुछ नहीं है, टाइम टू आंसर क्वेश्चन है, टर्म्स है, और बस, ठीक है। बहुत मेहनत की है इस वीडियो में क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो गया है, अगर अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो है वो अगर आपने नहीं देखा है इसके क्वेश्चन आंसर का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाके देख सकते हो, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मैं आपको जैसे कि हर वीडियो में कहता हूँ कि सब्सक्राइब करो और चैनल को शेयर करो, क्योंकि इससे जो नॉलेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचेगा, और आप को भी नए वीडियो देखने को मिलेंगे। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट।